कर रहा है वो बिल्कुल कर रहा है। तुम पाकिस्तानी नहीं है? नहीं, मैं पता नहीं लग रहा, हुआ हमारे दुश्मन मल के सब कुछ इंडिया कर रहा है। आईटी में वो दुनिया से बहुत आगे चलेगी। कौन? इंडिया। कोई इंडिया तो कुछ भी, वो तो हमारी जेब में है। इंडिया तो कुछ नहीं, जब दुनिया हमारी जेब में है। इतना डरपोक मुल्क है वो, इतना अगर वो ताकतवर हो, ताकत रखता हो तो आके बैठे, आके पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर होम ग्राउंड खेले मैच आके। हाँ, इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया इंडिया का साजिश है। चांद पे जाके उसने कोई जो है झंडा नहीं उखाड़ लिया, इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? ओ भाई, तुम लोग क्या कह ले जाते हो, तुम्हारा नमक बंद कर देना तुम्हारा तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे कमजोर है या मजबूत है? हमसे कमजोर है। भाई लोग, ये तो वीडियो की शुरुआत है, आगे आगे वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और साथ में आपको ये भी गारंटी देते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके भी दिन रात सुबह और शाम सब कुछ बन जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरी चैनल। तो इस नई सीरीज के सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये फनी एपिसोड। फैक्ट 15 प्रेजेंट्स पाकिस्तानी फनी मोमेंट्स पार्ट 1। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, गदर 2 ने इंडिया में कई हद तक धमाल मचाया था, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन जब एक ऐसी पाक विरोधी फिल्म को पाकिस्तान के लोगों को दिखाया गया तो भैया उनका रिएक्शन किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। दरअसल अगस्त 2023 के दौरान सलमान शेख नाम के यूट्यूबर ने पाकिस्तान की आवाम को गदर 2 का सीन दिखाते हुए उनसे पूछा कि देखो सनी पाजी कैसे हथौड़ा मार के पाकिस्तान की गाड़ियों को उड़ा रहे हैं। इस पर जरा इन भाई साहब ने क्या कहा वो सुनिए। सनी पाजी ने उसमें अकेले आए, पाकिस्तान चल कर आए, सही है, और आके तहस नहस कर दिया है। अब तुम जरा देखो, ये बताओ कैसी लगे, यह थोड़ा मारा हमारी गाड़ी उड़ गई, पाकिस्तानियों की उड़ी है। चलो भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चा था। लेकिन इससे बड़े लोगों का भी इनसे भी बुरा हाल है। जब इन जनाब से सनी देओल के पाकिस्तान जाने के बारे में पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि सनी देओल के पाकिस्तान के आने के पीछे हमारी हुकूमत का हाथ है और हुकूमत ही लाई होगी। आसानी से ये आ भी गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, जैसे क्यों आया, क्यों चला गया वापस। आया कैसे, कैसे आया होगा, ये तो हुकूमत लाई होगी ना, और कौन लाएगा। तुम थोड़ी ला सकते हो, आपको ये लग रहा है कि हुकूमत लेकर आई है सनी देओल को, और क्या, और कौन लाया। सरकार की गलती है, सरकार ने बुलाया। हाल ही में दोस्तों सितंबर 2023 के दौरान सना अमजद नाम की मोहतरमा लोगों के बीच जाकर उनसे भारत के बारे में उनकी राय ले रही थी। वो लोगों से पूछ रही थी कि क्या आप भारत जाना पसंद करेंगे। इसी बीच उनकी मुलाकात एक अफगानी पठान भाई से हो गई और इसके बाद उस पठान भाई ने भारत को लेकर भैया ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के तन बदन में आग लग गई और वो इसे पाकिस्तानी विरोधी कहने लग गए। और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ, ये तीन चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। इंडिया की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हो, तेरे बाप को मरवाया, उनसे कैसे लड़ाई की 18 से पहले। इंडिया की तारीफ करने पर इतना बवेला मच गया, एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा। सब हम मिक्स पठान नहीं, हम नस्ली पठान है, हम दुश्मन को भी जानते हैं और है ना दोस्त को भी जानता है। इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किए इधर, बताएं बताएं, जवाब सुने जी, जवाब सुने, सुनना पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो इधर, एक बात है, मेरे को पत्थर मारो, हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। लेकिन इसके बाद पठान भाई ने जो पलटवार किया उसे सुनकर आपका भी इस अफगान पठान भाई को भारत की नागरिकता देने का मन करेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही देख लीजिए। चुप 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 चुप, मेरा बात सुन, ये देख ये क्या है, ये देख, छोड़ो छोड़ो, ये देख, ये एक सर्विस कार्ड, ये इंटेलिजेंस कार्ड, मेरा बात सुन, मेरा बात सुन, नहीं चुप हो जाओ अभी, अभी बात सुन, मेरा 17 साल सर्विस है, मैंने अभी नौकरी छोड़ा है, खुद से छोड़ा है, ठीक है, नौकरी क्यों छोड़ा है। नहीं मेरी बात सुने, दुश्मन एक मिनट, दुश्मन चांद पे पहुंच गया भाई, आप लोगों को यहाँ रोटी नहीं मिल रही है, बिजली नहीं आ रही है, गैस नहीं है, नहीं है। रुको जरा, कश्मीर के लिए पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम सारा चोर है, मैं ये बताता हूँ, सारा चोर है, पाकिस्तानी बच्चे का माँ भी चोर है, छोटा बच्चा भी चोर है, वज़ीर आज़म भी चोर है। जून
2023 के दौरान टीम स्वैग नाम के इस पाकिस्तानी YouTube चैनल पर अपलोड हुई ये वीडियो काफी कमाल की है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों को जब इंडिया की महिंद्रा स्कॉर्पियो दिखाई जाती है तो ये लोग इसे स्कॉर्पियो के बजाय रेंज रोवर समझ लेते हैं। कौन सी फेवरेट गाड़ी है आपकी? मेरी रेंज रोवर है। रेंज रोवर, मैंने इसका डिजाइन रेंज रोवर टाइप ही है। रेंज रोवर टाइप है, ये बहुत अच्छी है यार ये तो। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें कार के प्राइस का अंदाजा लगाने को कहते हैं, तब ये इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बता देते हैं। लेकिन ये लोग शॉक तो तब हो जाते हैं जब कार की इनको असली कीमत पता चलती है। वैसे इसकी प्राइस क्या है सर? गेस करें कि क्या प्राइस हो सकती है। सर 4-5 करोड़ तो होगी। 4-5 करोड़? मे बी 5-6 करोड़। लेकिन सर इस गाड़ी की कीमत है 12 लाख रुपया। 12 लाख? नहीं यार, इतनी सस्ती 12 लाख सर? नहीं सर, 12 लाख में आजकल अल्टो में नहीं मिलती। आपने इतनी अच्छी गाड़ी दिखा। अल्टो की क्या कीमत आ रही है? अल्टो की 30 लाख के करीब ही है तकरीबन आजकल। ये तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी प्राइस। कहाँ पे हो सकती है? अमेरिका कनाडा में शायद। सर यही तो मसला नहीं है, बल्कि आपकी नेबर कंट्री इंडिया की है। इंडिया की है? क्या बात, इतनी सस्ती 12 लाख में इंडिया गाड़ी दे रहा, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मुकाम। चलिए अब आपको हम पाकिस्तान के खजूर से मिलवाते हैं। वीडियो है दोस्तों फरवरी 2023 की, जिसमें हमें पाकिस्तानी रिपोर्टर शुएब चौधरी देखने को मिलते हैं। शुएब ने जब इस उड़ते हुए कबूतर का इंटरव्यू लिया तो कबूतर ने कहा कि एक पाकिस्तानी हजारों हिंदुस्तानियों पर भारी है, जिसे सुनने के बाद शुएब की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पाकिस्तानी जो है, एक एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो मुसलमान भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। उनका ये जज्बा जाहरी तौर पे वो नहीं कुछ भी कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हम जाहरी तौर पे भी टकरा सकते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये तो कुछ भी नहीं, इतिहास के बारे में इस कबूतर की जो नॉलेज है वो तो भैया 21 तोपों की सलामी के लायक है। नहीं, हमने अगर हिस्ट्री को देखें, इधर आ जाए, अगर हम हिस्ट्री को देखें, 4 जंगें हो चुकी हैं और आपने बोला एक पाकिस्तानी 1000 हिंदुस्तानियों के बराबर है या इससे ज्यादा है। 4 जंगें हुई हैं जिसके अंदर कितनी हम जीते कितनी हारे आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे इलम में है तो जितनी हमारी जंगें हुई हैं इसमें अक्सर में हम जीते हैं। चलिए अब आप यहाँ पे नजर घुमाइए। इन जनाब ने बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा गधों की आबादी वाला देश है, जहाँ करीब 50 लाख से 70 लाख तक गधों की तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 टांग वाले गधों की बात हो रही है। आप कुछ और मत समझ लेना। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। 5.7 मिलियन, 57 मिलियन की तरफ हमें जाना है, और ये तादाद कोई मामूली तादाद नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गधे पैदा करने वाला जो मुल्क है इथियोपिया, उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आ गया। जलवा है हमारा भाई। मजा आ रहा है ना, ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। दोस्तों जब भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है, और आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पासपोर्ट से कितने देश जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम पड़ोसी देश पाकिस्तान की तो पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये रैंकिंग में पूरी दुनिया में भाई 4th नंबर पे आता है। हालांकि ये रैंकिंग नीचे से 4th स्थान पे है। अब ये बात इन भाई साहब को काफी ज्यादा बुरी लगी और इन्होंने गुस्से में आकर अपना पासपोर्ट ही फाड़ दिया। इतने ही नहीं, गुस्से में आकर ये पाकिस्तानी लोगों के साथ साथ वहाँ की सरकार को भी दिल खोल कर गालियाँ देते दिखे। ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये लंड पे चढ़े पाकिस्तान। Fuck you, पाकिस्तान की आर्मी एंड पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। अदालतें चोर, फकिंग पुलिस चोर, आर्मी चोर, पॉलिटिशियन चोर, सारे मादर चोर चोर है। लंड पे रखो इसको, मैं थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर। लानत है इस बैंचोत कंट्री पे। जिंदगी में कभी भी बैंचोत पाकिस्तान की तरफ देखना भी नहीं है। इस बेइज्जती, ये इस पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है बैंचोत हमारे लिए। तुम्हारी मैं सबकी माँ को, तो सारे आर्मियों की, 6 लाख आर्मी गांडू है बैंचोत। इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना नहीं चाहिए। इन मादर चोदों के अकाउंट में पैसे डालो और ये आपको कश्मीर दे देंगे, बल्कि आपको लाहौर भी दे देंगे। ये इतने बैंचोत हैं ये पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी जज,
पाकिस्तानी फकीर अदालतें सब चोर बहन चोर लानत है तुम सबकी माँ को चोद में। बाय दोस्तों, इंडियन मीडिया लेटेस्ट यूट्यूब चैनल के बंटी भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे। दरअसल बंटी भाई का काम पाकिस्तानी लोग को रोस्ट करने का है और कुछ ऐसा ही काम वो इस वीडियो में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहाँ पर शुएब चौधरी इन सब लोगों से पाकिस्तान के बारे में सवाल जवाब कर रहा था, तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान एशिया का किंग है। पता नहीं ये भाई कौन सा सूखा नशा करता, तभी तो इसे ये अजीबोगरीब से भ्रम हो रहे हैं। अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही सिर्फ इस रीजन में आता है, इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से अफगानिस्तान भी आता है, तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। ओए होए, कितनी बड़ी ताकत है भाई। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है। आर यू कॉमेडी? फ्रेंड्स, थार इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलर है ये बात तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन क्या ये सऊदी अरब में भी पॉपुलर है? चलो ये वहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। दरअसल जनवरी 2023 के दौरान सऊदी अरब से कुछ स्टूडेंट पाकिस्तान घूमने आए। इस दौरान पाकिस्तानी मूल के पत्रकार मुजम्मिल कुरैशी ने उन लोगों को थार की वीडियो दिखाते हुए उनसे इसके बारे में राय जाननी चाही। साथ ही उनसे पूछा कि क्या ये गाड़ी वहाँ पर चलती है। इस पर उन लोगों ने क्या जवाब दिया वो आपको भी सुनना चाहिए, और ये सुनने के बाद आपको भी हमारे देश भारत की ताकत का एहसास हो जाएगा। अरब से आए अरबी है जो कि सऊदी अरेबिया से आए पाकिस्तान घूमने के लिए आए। बस मैं इनसे बात करूंगा, इनको गाड़ी की वीडियो दिखाऊंगा इनको कि पावर कैसी है थार की, और ये कंपनी जानते हैं कि नहीं, कौन सी कंपनी है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रेहान। रेहान, यस। यू लाइक मस्ट पाकिस्तान मोस्ट और इंडिया? बोथ आर 50। ओके, सो आई एम गोइंग टू शो यू सम वीडियो, यू वॉच द वीडियो एंड टेल मी विच कंपनी दिस कार और यू लाइक और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके ब्रो, गाइस ये अरबी है तो इनके साथ थोड़ी सी मुझे अरबिक आती नहीं है, तो मैं इसीलिए थोड़ी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू नो दिस कंपनी? दिस इज आई नो इट इज फ्रॉम इंडिया, थार, महिंद्रा थार। इट्स आल्सो हैव इन सऊदी। या इट्स कॉल्ड जीप। सो पावरफुल, इट्स सो अमेजिंग मशीन, इट्स इंजन पावर इज सो गुड मैन, आई कांट इवन टेल यू। 200 से कुछ साल पहले ईरान ने इंडिया को 30% शेयर पर गैस फील्ड के लिए ऑफर किया था, और जब इसी सिलसिले में ये रिपोर्टर महोदय इन जनाब को ईरान के इस ऑफर के बारे में बताते हैं, तो पता नहीं ये जनाब कौन सा सस्ता नशा करके आए हैं कि इन्होंने इस न्यूज को फेक बता दिया। अगर आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि ईरान ने इंडिया को ऑफर की है कि आप जो उनसे हमारे साथ गैस फील्ड पे आके काम करें, 30% शेयर लें। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों ईरान या दूसरे इस्लामिक कंट्री हैं इंडिया के साथ काम करने में, डील करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान है, उन्होंने अगर ये ईरानियों ने कहा है कि हमारे साथ इंडिया आके कर लिए, फेक न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गैर मजहब लोगों के साथ जाके प्रेफरेंस दे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं लगता। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है, यही तो जहालत चाहिए हमको। दोस्तों, इंडिया में आजकल मीडिया जो जनता के काम की खबरों को उन तक पहुंचाती नहीं है और बेकार की बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी वहाँ की मीडिया जो एक ही तरह का प्रोपेगेंडा चलाती है और 24 घंटे भारत विरोधी खबरें चलाकर वहाँ के लोगों के कान भरने का काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मीडिया की बात भाई कहाँ से आ गई, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ मिलकर गरीब और बेरोजगारी से लड़ते हैं और देखते हैं कि कौन अपने देश से पहले गरीब और बेरोजगारी खत्म करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो की जानकारी वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये वीडियो कभी दिखाई ही नहीं। इसके बाद जब यूट्यूबर मुजम्मिल कुरैशी ने एक मौलाना को ये वीडियो दिखाई तो उनकी इसके बारे में राय सुनकर दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। भाई साहब, वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े, पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है,
कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है क्या नौजवानों लड़ाई करें, किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, इंडिया से गुर्बत खत्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी जरूरियात जिंदगी मिले जो को उसकी जरूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे, वर्ल्ड की दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। अब सर बेसिकली आज मैं बात ये करना चाह रहा हूं, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने, इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पर देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि आप मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज और हो, मुझे तो इसी तरह से लग रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। चलिए दोस्तों जाते जाते आपको एक और फनी वीडियो दिखा देते हैं जिसमें ये रिपोर्टर मोहतरमा इस व्यक्ति से सवाल करती है कि भारत में 5G के ऐसे टावर लगाए जा रहे हैं जो 4G से 3 गुना ज्यादा स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, इसे आप किस नजर से देखते हैं? बस फिर क्या था भाई साहब, लग गए पाकिस्तान की तारीफ करने और हिंदुस्तान की बुराई करने। इंडिया में 5G के भी टावर्स लग गए हैं, इस तरह के टावर्स लगे हैं जो कि 4G से 3 टाइम्स फास्टर होंगे। किस तरह देखते हैं कि वो डे बाय डे अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते ही जा रहे हैं और हम लोग लैग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मेरा जहाँ मैं घर है ना वहाँ पे भी सिग्नल्स नहीं आते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा माशाल्लाह स्टैंडेबल है। कैसे? हर लिहाज से। आज में क्या खाने, सब कुछ, हर तरीके से, मतलब हर चीज़, उसकी मशियत भी देख लें आप, उसका ये भी देख लें, उसकी पॉलिटिक्स देख लें आप। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि फिफ्थ जो है इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, अगर हम पाकिस्तान की बड़े पहले 100 में भी नहीं आता। लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन पुट करने जा रही हूँ कि वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हम, इंडिया अगर दूसरे तीसरे पे आता है ना, दूसरे या तीसरे पे आता तो हम फिफ्थ पे आते हैं गूगल सर्वे? डेफिनेटली, हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान के अमीर, हम लोग अमीर हैं, यहाँ पे कोई भूखा नहीं सोता, वहाँ पे लोग भूखे सोते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? पॉवर्टी रेट अगर हम देखें, पाकिस्तान का 36 है और वहाँ पर हाल ही 6 है। अब बोल जो कि उन्होंने पहले ज्यादा था, उन्होंने गूगल सर्वे, आपको ये सब चीजें मैं विद प्रूफ भी बता सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की हुई है। definitely, ये रिसर्च डेफिनेटली मेरे पास भी बहुत से प्रूफ है, झूठ बोल रहा है। लेकिन बात इसका मतलब ये है कि आप अगर प्रूफ की तरफ जाए ना, अगर आप प्रूफ की तरफ जाए तो मेरे पास भी बहुत से प्रूफ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं मेरी जान अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।